आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन लोगों को जो है किस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा और क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दोस्तों 2020 का नया तरीका जो है आ चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, जो काफ़ी लोगों को पैसा नहीं मिला है, काफ़ी लोगों ने आवेदन भी कर रखा है लेकिन फिर भी हम बात करें तो आवेदन फॉर्म में कई प्रकार की त्रुटियां या गलतियां जो है रह चुकी है जिसके कारण उनको पैसा नहीं मिला है। जैसे हम बात करें तो आधार कार्ड से संबंधित या फिर एड्रेस से संबंधित या फिर बैंक अकाउंट IFSC कोड, ऐसे तमाम गलतियाँ जो है उनके आवेदन फॉर्म में रह गई है जिनके कारण उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं समस्याओं का समाधान बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप अदर जो करेक्शन जो है आप करवा सकते हैं, जैसे बैंक से संबंधित या एड्रेस से संबंधित। तो दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैनल है ये किसानों के लिए ये चैनल है, यानी कि किसानों को गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आप भी अगर एक किसान हैं और इसी प्रकार से गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े। इसी के साथ दोस्तों एक ज्वाइन बटन का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब के राइट साइड में बगल में एक छोटे से इस तरीके से एक बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों और किसान भाइयों के भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं पहले जो खबर निकल के सामने आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जानिए किसे मिलेगा इस स्कीम का लाभ, होगी इन दस्तावेजों की आवश्यकता। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां पे देख सकते हैं नया अपडेट आ चुका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेके कि किस प्रकार से जो है इस योजना का लाभ मिलेगा और क्या क्या दस्तावेजों की आपको इसकी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अगर आप एक किसान भाई हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोदी सरकार जो है किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान जो है कर चुकी है, जिसे सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जारी रखा है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि यह योजना जो है कैसे इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है देश के सभी किसानों को मिलेगा, चाहे उसके पास कितनी भी जमीन हो या नहीं हो। इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है किसानों के खाते में 6,000 रुपये जो है जमा करेगी। काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहां पे 6,000 की जगह 8,000 रुपये भी 4 किस्तों के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये 6,000 जो है 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे डिजिटल ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ जो है देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को मिल पाएगा। इस योजना का लाभ जो है सभी किसानों को देने का फैसला जो है 31 मई को हुई नई राज्य सरकार कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसके अंतर्गत ये अहम निर्णय लिया गया था कि सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ जो है दिया जाएगा। इससे पहले इस योजना में 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को ही शामिल किया गया था, यानी कि जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है सिर्फ उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन 31 मई के बाद सभी किसानों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और सभी किसानों को इसमें लाभ जो है दिया जाएगा।
किसी भी प्रकार की सीमा नहीं रखी गई है। सभी तमाम सीमाओं को यहाँ पे जमीनी पाबंदी जो सीमा थी उसे समाप्त कर दिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका वादा किया था कि हम सभी किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी स्कीम की शुरुआत करेंगे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति जो है सुधर सके। तो दोस्तों इन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। तो दोस्तों कौन कौन से दायरे यहाँ पर शामिल किए गए हैं जिन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है, तो हम बात करें तो इस स्कीम का लाभ जो है जिन लोगों को नहीं मिलेगा उनमें स्थानागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ PSU व सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशावरों को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत जो भी लगा हुआ है वो किसान इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। अगर हम बात करें किसी कोई किसान है उसका बेटा अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है तो वो किसान जो है अपने नाम पे जो है अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है तो उसको पैसा दिया जाएगा। सिर्फ वो जो कैंडिडेट यानी कि जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में लगा हुआ है अगर वो फॉर्म भरता है तो उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसके परिवार के, उसके भाई या हम बात करें उसकी बहन या उसकी माता या उसके पिताजी, सभी को यहाँ पे पैसे जो है दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर बात करें जैसे नेता हुए राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं यानी कि MLA, MP, प्रधानमंत्री यानी कि तमाम जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा जिनकी 10,000 रुपये से अधिक जो है गवर्नमेंट पेंशन आती है उनको भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ हम बात करें तो डॉक्टर और जो वकील हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत पैसा नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करें तो योजना का लाभ उठाने के लिए पड़ेगी इन दस्तावेजों की ज़रूरत। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है एक तो खसरा नंबर और दूसरा जो है खतौनी का विवरण। यानी कि खसरा और खतौनी आपके पास होनी चाहिए जो आपके जमीनी रिकॉर्ड को बताता है, यानी कि राजस्व रिकॉर्ड जिसमें पता चलेगा कि आप किसान हैं। खसरा खतौनी जो है पटवारी बनाता है, इसमें खेती की जमीन की पूरी जानकारी जो है उसमें रिकॉर्ड होती है। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आप जमीन पर अभी क्या हो रहा है, यानी कि आप किसान की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, आपकी जो जमीन है वो खेती करने के लिए उपयोगी है या फिर आबादी के बीच में तो नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो है खतौनी, इसमें जमीन किसके नाम है उसकी पूरी जानकारी होती है, यानी कि जिसके जमीन नाम है वो ही इसके लिए पात्र है। यानी कि जिसके जमीन या हम बात करें कुछ भी यानी कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जमीन चाहे कुछ भी हो उसके नाम जरूर होनी चाहिए, यानी कि खतौनी में उसका नाम होना चाहिए। इसमें जमीन किसके नाम है उसकी पूरी जानकारी होती है। अगर जमीन एक से ज़्यादा के नाम पर है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि गाँव में क्या होता है कि 5-6 भाई हैं तो उन सभी के नाम एक जमीन में लिंक होते हैं, तो उनके लिए ये सूचना बताई गई है कि तहसीलदार जो है एक शेयर सर्टिफिकेट बनेगा जो तहसील में होगा, वहाँ पे तहसीलदार के सिग्नेचर करा के वो आपको उसके साथ लगाना है। आधार कार्ड भारतीय नागरिक की पहचान है, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये पाने के लिए आधार कार्ड देना बहुत ही कंपलसरी कर दिया है। दोस्तों पहले आधार कार्ड इसमें पहले किस्त में अलाउ नहीं था, लेकिन अब जो है नए जिन लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन 2019 से हम बात करें 20 में सभी को यहां पे आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसी के साथ साथ हम बता दें तो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योजना की किस्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो है DBT के जरिए किसानों के पैसे जो है ट्रांसफ़र कर रही है, जिसके अंतर्गत बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही आपको कंपलसरी है। बैंक अकाउंट जो आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो इसमें किसी भी प्रकार का बैंक अकाउंट जो है वैलिड नहीं किया गया है। यानी कि हम बात करें जैसे कोई पर्सनल बैंक जो है उसके बारे में नहीं बताया गया है, जैसे SBI का हो या पंजाब का हो, आपका दोस्तों किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट होना चाहिए, चाहे
प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए बैंक में, और वो जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। अगर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करवाएं और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, अन्यथा दोस्तों आपका फॉर्म जो है अटक जाएगा और आपको किसी भी प्रकार से पैसा नहीं मिलेगा। शुद्धिकरण भी आपका बहुत ही लेट प्रोसेस है शुद्धिकरण की, इसमें करेक्शन की, तो आप उससे भी वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही जब आपका संपूर्ण प्रोसेस हो जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो SMS के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद जो भी लाभकारी किसान हैं उनके नामों की लिस्ट जो है पंचायत पर लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त जिन किसानों को लाभ मिलना है उनके मोबाइल पर भी मैसेज भेजा जाता है कि आपको इस स्कीम के लिए पैसा दिया जाएगा, आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यानी कि आप आवेदन कैसे देखें, कितनी किस्तें आपको मिल चुकी है, कैसे आप करेक्शन करवा सकते हैं, तमाम वीडियो मैंने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा रखे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको हमारे चैनल के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ आप कहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे आप हमारे चैनल की होम पेज के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक सब्सक्राइब का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात मैं बता दूं, तो आप यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से माई किसान ब्लॉग यूट्यूब चैनल के नाम से एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे हमारा दूसरे चैनल का आपको दिखेगा। दोस्तों ये जो चैनल की शुरुआत मैंने अभी की है कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले, इस चैनल के ऊपर मैं जो है लाइव आके बात करता हूँ, किसानों से संबंधित जो भी सहायता होती है वो मैं यहाँ पे तुरंत उपलब्ध कराता हूँ। हमारे इस मेन चैनल पे जितने भी कमेंट आते हैं उन सभी कमेंट का मैं यहाँ पे लाइव आके रिप्लाई करता हूँ। आपके सामने जो भी समस्या आ रही है योजनाओं से संबंधित, वो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नीचे आपको इस तरीके से सब्सक्राइब के बटन के दबा के RK किसान हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप अगर आप एक किसान भाई हैं और हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, और दोस्तों अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे। ये जो चैनल आप इसके नीचे देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया TV, इसको भी सब्सक्राइब करके आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों किसानों के लिए आप RK किसान हेल्प सेंटर को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले देखो पहले सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप जैसे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे जितनी भी प्लेलिस्ट है जिससे भी रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेसन से संबंधित, मौसम की जानकारी, एजुकेशन से संबंधित, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ पे सरकारी योजनाओं के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, और इसमें लगभग 150 वीडियो यहाँ पे उपलब्ध हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे संबंधित सभी वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार की किसानों से संबंधित गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं। आप जिस भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना की भी तमाम वीडियो यहाँ पे मैंने उपलब्ध करा रखी है, जैसे किस प्रकार से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं जो पंचायतों में लगेगी, किन किन लोगों के फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं, किस तरीके से, यानी कि तमाम आपको गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, अगर आप इसी प्रकार की जानकारी अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, लाइव जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहां पे मेरे माई किसान ब्लॉग यूट्यूब चैनल यानी कि RK किसान हेल्प सेंटर को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमसे लाइव आके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे आप निपट सके, उससे आप सुलझ सके। और दोस्तों अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारे दोस्त का चैनल है, आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से नई और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए पहले देखो पहले सीखो किसान यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।